कुछ दिन से सोशल मीडिया पर दो महिलाओं का रिंग में लड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो खली की अकादमी का है और उसमें एक ट्रेन महिला रेसलर बॉबी बुल ने रिंग से दर्शकों को चैलेंज किया और उसको दर्शकों से खड़ी खली की नई रेसलर कविता ने कबूल कर लिया और रिंग में फाइट के दौरान वह उसी पर भारी भी पड़ गई। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, अब दोनों रेसलर एक दूसरे को चैलेंज कर रही हैं और बीते शनिवार फिर दोनों की फाइट हुई जिसमें फिर दोनों रेसलर दर्शकों के सामने जमकर लड़ी। बीते शनिवार को खली की अकादमी की एक महिला रेसलर सबरजीत कौर उर्फ बॉबी बुल ने दर्शकों को चैलेंज कर दिया। इस चैलेंज को वहां कुछ ही दिन पहले सीखने आई हरियाणा की एक पूर्व पुलिस अधिकारी कविता ने कबूल कर लिया और रिंग में बॉबी बुल को पीटने लगी, जिसके बाद बीच बचाव कर उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया गया। इसकी वीडियो किसी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद बॉबी बुल ने इसे अपनी बेइज्जती महसूस किया और कविता को फिर से चैलेंज कर दिया, जिसे कविता ने कबूल करते हुए शनिवार रिंग पर भिड़ने की बात कही। लेकिन तय समय पर कविता ने ना पहुंची और बॉबी नाराज हो गई। लेकिन उसकी नाराजगी कुछ ही समय की थी कि कविता आ पहुंची, तब तक बॉबी जा चुकी थी। कविता दर्शकों के बीच जाकर खड़ी हो गई। जब बॉबी को पता चला कि कविता यहाँ खड़ी है, उसने दर्शकों के बीच कविता को घसीटते हुए रिंग में ले आई और फिर दोनों की वहाँ कुछ मिनट फाइट हुई। मामला बढ़ता देख बाकी रेसलरों ने दोनों को अलग कर डाला। चैलेंज बरकरार है, आइए सुनते हैं। उस दिन एक्चुअली मैं फाइट देखने के लिए आई थी, तो ऐसी ऑडियंस में खड़ी थी, तो इसने फाइट जीती और चैलेंज करने लगी कि पूरे हिंदुस्तान में मेरे से ताकतवर कोई नहीं है, लड़का या लड़की। मैं भी खड़ी थी वहाँ, तो मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने कहा मैं भी इसको दिखाती हूँ। इसलिए मैं रिंग में चढ़ी और इसको पटका था मैंने पिछली बार। यही ट्रेनिंग करूँगी मैं, खली सर के अंडर में ट्रेनिंग करूँगी उनसे, वो भी उनकी स्टूडेंट है, मैं भी उन्हीं से सीखूँगी। लेकिन अब मेरा इसके साथ कॉम्पिटिशन है, इससे पहले सीखूँगी। इसको एक साल दो साल हो गया होगा मुझे, अब तक मैं रेगुलर नहीं हुई हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। मकसद क्या है भैया, जो बच्चों ने जिनको ट्रेनिंग दे रहा था कि उनको और एक्सपोजर मिले, और जो ये ट्रेनिंग का पार्ट है एक, क्योंकि मतलब अगर उनको हम मैच नहीं कराएंगे तो उनको लगेगा कि वहाँ पर जो बड़े शो होते हैं जिसमें 60-70 हज़ार लोग देखने को आते हैं, तो उस पर क्या कि नर्वस हो जाते हैं। तो एक कराने का मतलब है कि ये कि भी उनका एक डर खुल जाए कि ऑडियंस के बीच वो फाइट कर सके। मतलब मुझे तो कुछ नहीं समझ आया जी, अगर समझ आए लड़ाई के तरीके से लड़े ना, मैं तो लड़ने के लिए गई हूँ, वो लड़के भाग गई, मैं क्या करूँ, उसको इन्होंने बचाया, मेरे को नहीं पता क्या हुआ है। हमारी खास रिपोर्ट आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल www.voiceofindia.net।